भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है। भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा का भुगतान किया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था, उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है। हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हर बार आए, राजनीति चलती रहे और किसान बेचारा ये राजनेताओं पर निर्भर रहे। हम किसान को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिले बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परेशान हो जाता है। दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं, कारखाने बंद करते हैं, गन्ना किसान को परेशानी होती है। अनेक प्रकार की चुनौतियां, चीनी का वैश्विक बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत गन्ना के किसान को, हमारे के यहां के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी, हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थायी उपाय के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी। और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, ये गन्ना किसानों को लाभ भी दे रहा है और उनकी आर्थिक व्यवस्था को एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। मुझे खुशी है योगी जी ने ताबड़तोब इस काम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी, योगी जी कंधे से कंधा लेकर के मिलाकर के मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपी को 12,000 करोड़ रुपए, गन्ने से जो इथेनॉल बना ना, 12,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसान को सुरक्षा दे रहे हैं। और मेरे गन्ना किसान भाइयों, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मेरे शब्द लिख करके रखिए, आने वाले दिनों में ये मामला 12,000 करोड़ अटकने वाला नहीं है, ये राशि और बढ़ने वाली है। और इससे
गन्ना किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। यूपी में जो पहले सरकारें रही वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी। कारण परिवारवाद, परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं, सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं, हम स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजते हैं, हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं।